कोई भी मटेरियल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं किसी मशीन के द्वारा, तो हमारे शिफ्टिंग वर्क हो रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं मशीन के द्वारा, या फिर मैनुअल हैंडलिंग होता है जो हम हाथों के द्वारा करते हैं, आदमी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, उसको मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं ना अपने हाथों के द्वारा, और मशीन के द्वारा बोलते हैं तो शिफ्टिंग बोलते हैं, या लिफ्टिंग बोलते हैं तो मशीन के द्वारा किसी मटेरियल को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हमारा लिफ्ट हो जाता है, लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं। उसके अंदर क्या हमें मशीन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रॉलिक कराना, क्रेन मोबाइल क्रेन हो सकती है, फिर थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले उसके अंदर ये आते हैं हमारे जितने भी टूल टेकर्स होते हैं हमारे, जैसे अभी मशीन का इंस्पेक्शन कराया है इलेक्ट्रिकल मशीन का, ऐसे हमारे टूल टेकर्स का इंस्पेक्शन होता है, वायर से नहीं होगी जो भी हमारे मशीन मटेरियल को उठाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के जो काम आ रहे हैं, जितने भी टूल टेकर्स हमारे, वो हमारे लिफ्टिंग टूल्स हो गए या लिफ्टिंग मशीनरी होगी, क्रेन हाइड्रॉलिक खड़ा वो उठा रही है ना अपने जरिए मशीन के जरिए उसको उठा रहे हैं, और हमारे टूल टेकर्स के जरिए उठा रहे हैं, तो हमारे लिफ्टिंग के अंदर तो उसका भी इंस्पेक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल जितनी मशीन है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उसका इंस्पेक्शन करेगा, ऐसे ही हमारे लिफ्टिंग टूल्स हैं जितने वो एएमजी के अंदर जो जितनी मशीन होती है वो एएमजी के अंदर आती है, और जितने भी टूल टेकर्स होते हैं हमारे वो सब चीज़ें हमारे पीएनडब्ल्यू के अंदर आते हैं, एएमजी डिपार्टमेंट। तो हमारा इंस्पेक्शन कराएगा तो बाहर की, जो हमारी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है बाहर से टीम आती है वो उसका इंस्पेक्शन करके जाती है, इंस्पेक्शन उसकी जाँच पड़ताल करेगी, कंडीशन उसकी कैसी है, कितने एएमजी की कितने मीटर की इसका स्टैंडर्ड कितना है, उसके बाद वो उसका सर्टिफिकेट बनाएगी। सर्टिफिकेट बनाने के बाद उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, एल्युमिनियम का टैग लगा दिया जाता है एक छोटा सा उसके ऊपर सीलिंग के डिजाइन के वेयर फ्रेंड के। अब क्या करना है हमें, जब भी हम उसको लेके जा रहे हैं शो, हो सकता है वो हमारा जो टैग होता है वो एक ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो टूट जाता है, एल्युमिनियम का टैग देखा है ना अभी ने, वो क्या ज़्यादा दिन नहीं चलता है, काम करते करते वो टूट जाता है। अब जो सर्टिफिकेट है हमारा मैक्सिमम ऑफिस में रहते हैं जो डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको लेके जा रहे थे कलर कोड होता है जो अभी हमारा ग्रीन कलर कोड चल रहा है, एक साल के अंदर चार कलर कोड होता है, ब्लू जनवरी फरवरी और मार्च आता है हमारा ब्लू कलर कोड, अप्रैल मई और जून हमारा आता है ये पीला कलर, जुलाई अगस्त और सितंबर हमारा चलेगा ग्रीन कलर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर हमारा ऑरेंज, एक साल के अंदर ये चार कलर कोड होते हैं, और एक पाँचवा कलर कोड होता है हमारा रेड, ये चार कलर कोड जो होते हैं हमारे यूज करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी टूल लेकर जाए मशीन है जो हमारा टैग लगता है वो भी कलर कोड के हिसाब से चलता है, अभी ग्रीन चल रहा है तो ग्रीन ही टैग लगेगा किसी भी मशीन के ऊपर, या हमारा टूल लेकर से उसके ऊपर हम कलर करेंगे तो ग्रीन कलर लगेगा, लेकिन अगर वही बात प्रोजेक्ट किया जाती है खराब मशीन है कोई टूल लेकर तो उसके ऊपर क्या करेंगे, या तो रेड कलर का टैग लगाएंगे या फिर कोई रेड कलर का कलर पेंट कर देंगे, ये हमारा रिजेक्ट हो गया खराब हो गया उसको इस्तेमाल नहीं करना, कहीं भी डेंजर लिखा होता है तो देखो क्या रेड कलर में होता है, तो इसीलिए वो डेंजर के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर रेड टैग का इस्तेमाल करते हैं।